आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आसिफ नगर के इलाके हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद सिद्दीक दीनदार के इलाके में लैंड ग्रैबर्स की हलचल, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, मैं आसिफ नगर दीनदार अंजुमन का मुबल्लिग हूँ और ये दरगाह कमेटी का जो है हम लोग मेंबर है, मुबल्लिगीन पूरे यहाँ के। यहाँ पर हम लोग पोस्ट बॉक्स लगाने आए थे, पोस्टमैन और जो है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक ऑफिस से बोले थे कि पोस्ट बैक लेटर पोस्ट बॉक्स लगाओ आप लोग। हम लोग आके यहाँ पर जो भी पोस्ट के जरिए आएंगे और लाइट की भी लगेंगे हम यहाँ डालेंगे बोल। तो वहाँ से जो हमारे अगेंस्ट जो यहाँ पर दरगाह की जो जिम्मेदारी कुछ जिम्मेदार दिए थे वो लोग जो लैंड कब्ज़ा कर चुके हैं वो लोग आकर हम लोग को जो है वो बॉक्स तोड़ दिए और उनके हाथों में हथौड़ी थी और शीखा थे। पूरे जने चार पांच जने मिलकर जो है मारे। एक का नाम साद है और एक का नाम रेहान है और एक का नाम जो है इबाद है और एक का नाम शन्ना है। या मारे मेरे को, या टाके 8 टाके पड़े और ये हाथ पे फ्रैक्चर आ गया मेरे को। ये लोग जो है हम लोग अब तक हम लोग 50 कंप्लेंट डाल चुके हैं। यहाँ पर कोई हमारे ताइद में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है हम दरख्वास्त करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब से और ACP साहब, DCP साहब, कमिश्नर साहब से सबसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग साधु सूफी लोग हैं, मुबल्लिगीन हैं, हम लोग शांति का प्रचार करने वाले हैं। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं हैं। हम असद साहब से दरख्वास्त करते हैं और अकबर साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग की कुछ ताइद में हमारे ताइद में एक्शन लीजिए, हमारे को सपोर्ट करिए। ये पूरी दरगाह की लैंड है। हमारे को कोर्ट का ऑर्डर आया, 15 दिन हुए उन लोग को वॉचमैन के लिए रखे, वो कब्जा कर लिए, फिर वो कोर्ट में भी डाले थे वो लोग, फिर हम लोग भी कोर्ट में भी हम लोग ही जीते और हाई कोर्ट में जीत गए। उसके बाद हमारा कोर्ट का ऑर्डर आया, लगाए थे हम या 2 ऑर्डर लगाए थे वो भी फाड़ दिए और पोस्ट बॉक्स भी तोड़ दिए। और अब जो है हमारे को 7 दिन में ये लोग को नोटिस भी आई, सो है नोटिस आई बोलकर हमारे को गालियाँ देकर हम लोग को मारे। खाली करना है इनको, यहाँ से खाली करना है। तो ये लोग कोर्ट के मुताबिक वो लोग को खाली करना है। हाँ, कोर्ट के मुताबिक और GHMC भी उनको लेटर दिए उसके मुताबिक खाली करना है वो लोग को। आपके ऊपर हमला कितने लोग? 5 जने करे। क्या नाम है? एक का नाम साद है, उन्होंने मुर्शिद पाशा के बेटे है, और एक का नाम जो है रेहान है, और एक का नाम जो है इबाद है, और एक का नाम जो है शन्ना है। ये लोग सारे जो प्रॉपर्टी कब्जा करे हुए ये उन्हीं के लोग हैं? नहीं नहीं, ये लोग को सिर्फ वॉचमैन के लिए रखे थे यहाँ पर, साफ सफाई के लिए। हाँ, अटैक करे उन्हीं के लोग है जी। आपके पास में कितने लोग? 5 जने हमला करे तो कितने लोग जख्मी हुए? मैं हूँ और एक जने है फुरखान, जख्मी ने उनको मार लगा। उनके पास हथौड़ी थी और पूरे रौड़ा थे उन लोग के पास, एक हाथ में बैट भी था। फिर मैं यहाँ से भागा भी तो वहाँ पर हमारे नानी का घर है यहाँ पर, वह घर में घुस के भी मारे मेरे को। हाँ, कंप्लेन अभी हमको MLC दिए, MLC करा के आया मैं अभी। कौन सा PS लगता? हिमायू नगर PS लगता। तो आप लोग कंप्लेन दिए हुए? हाँ, MLC ले लेके गया मैं भी यहाँ। यहाँ उस्मानिया हॉस्पिटल गया था मैं। ये इतने कंप्लेन दिए हम, 50 कंप्लेंट्स है मगर कोई एक्शन नहीं है हमारी ताइद में। किसकी जानिब से? कौन सी? हिमायू नगर PS से। कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे को जी। श्रीनिवास एसआई साहब है, उल्टा हमारे को डरा के भगाते रहते। आज भी मैं हिमायू नगर PS गया था एक लेटर बॉक्स का कंप्लेन देने, हमारे को लेटर आया था तो वो लोग पोस्टमैन से लड़कर ले लेकर जो है हम लोग जाके कंप्लेन दिए तो हमारे को ऊपर फेंक दिया हमारे सर्कल साहब कंप्लेन, तो तुम लोग कंप्लेन नहीं लेते बोल के 50 कंप्लेंट्स है। ये देख ले सकते हैं क्या है कंप्लेन नहीं लेने की? कोई PS को मैनेज करे हुए? हाँ, शायद वो मैनेज कर रहे हुए वो लोग। वहाँ पर हम इससे पहले भी 15 डेज पहले लड़ाई हुई हमारे साथी है फुरखान अहमद बोल के, उनको मारे तो भी उन्हें कुछ भी नहीं करे, उल्टा जो है उनका PS भी बैठा हुआ था वहाँ पर, हमारे को श्रीनिवास डरा के भगा दिए। तो आप हुकूमत से क्या विचार? वही हम हुकूमत से यही जो है गुजारिश करते हैं कि हम लोग साधु लोग हैं, थोड़ा हमारे को सपोर्ट करिए, ये रॉडिज्म यहाँ से खत्म करिए, हमारे को इंसाफ चाहिए बस, वो हमारे एक्शन लीजिए। सस्पेंशन शीट खुलेगी उसकी आज ऑलरेडी, नंबर 17 है। खाली एक कंप्लेंट दिए तो जो है ना रॉडी शीट खोल देते बोले, लेकिन हम ही महल से नहीं दिए, कई को बच्चे की जिंदगी खराब कर। आज हमारे मुल साहब के ऊपर मार दिए, ये जो है ना सिर्फ 2 मंथ्स पहले का है, ये हाथ में है देखिए।
तरफ से जो है ना ये कानूनी कार्रवाई में जो है ना पूरे कोर्ट वगैरह के जो है ना जो लैंड ग्रैब जो केस चल रहा है डेढ़ साल से इसका, हम जो है ना इसी के कार्रवाई में लगे हुए हैं। ये सब लोग उन लोगों को मालूम है, अपोजिशन यहाँ पे जो हमारे जो कब्जा करे हैं दरगाह की लैंड, उन लोग को ही मालूम है ये बात। तो हम जो है ना ये अटैक होने के बाद जो है ना पीएस गए थे। पीएस जाने के बाद जो है ना वहाँ पे सर्कल साहब तो नहीं थे, एसआई साहब और जो है कांस्टेबल साहब वगैरह थे, उनसे बातचीत कर रहे थे हम लोग। तो हमारे को जो है नीचे भिजा दिए लोग, ये लोग जो है ना ऊपर बैठे हुए थे। आप लोग नीचे जाने के बाद जो है ना आप लोग ऊपर आइए बोल के बोले हमारे को। पीएस के नीचे हम लोग ठहरे हुए थे, तकरीबन हम लोग 25-30 लोग ठहरे हुए थे। तो ठहरने के बाद जो है ना वो लोग जब उतरे वहाँ से उतर के जब उनकी कंप्लेन वगैरह लेने के बाद जब रिटर्न उन लोग नीचे उतर रहे थे, तो हम लोग ठहरने के बाद हमारे से बहस करके जो है ना फिर जो है ना हमारे पर वहाँ पे पीएस के सामने जो है ना कांस्टेबल साहब ड्राइवर साहब थे सर्कल साहब के, उनके सामने जो है ना मेरे ऊपर अटैक करे। ये सैयद जामीन हुसैन है और इसके ऊपर जो है ना सैयद मुस्तफ़ा हुसैन जामीन है, इसके ऊपर कई कंप्लेंस है ऑलरेडी। और ये सस्पेंशन शीट 38 नंबर का जो है ना रोडी शटर है, हिमायत नगर में हम लोग कई कंप्लेन कर चुके हैं। अभी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स है उसके कंप्लेन के, मगर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ उसके उसके उसके। और रमजान में जो है ना पीछे एक लड़के को मार के जो है ना वो गन निकाला था, वो बरल टॉय गन है बोल के जो है ना उसके ऊपर वो नहीं करे, उसके ऊपर मीडिया वगैरह में भी आया था उसको वो दबा दिए उसको। बहरहाल हम लोग जो है ना इतने कंप्लेंस कर रहे हैं कितने की साथ इसमें जो है ना जाके श्रीनिवास साहब जो है ना हमारे से एक अलग अच्छे इसमें रवैये बात करते हैं, मगर एक्शन कुछ भी नहीं है हमारे पास। हुकूमत से क्या चाहिए जी, हम जो है ना दरख्वास्त करते हैं कमिश्नर साहब से भी, हम लोग हमेशा जाते हैं, हम जाने के बाद भी जो है ना हमारे को वो कर रहे हैं वहाँ पे पीएस में, अरे वहाँ जा, वहाँ क्यों चले जा रहे हो तुम, ऊपर क्यों चले जा रहे हो तुम। हम जो है ना कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करते हैं और जो है ना डीसीपी साहब से सर्कल साहब से जो है ना कि जो है ना हमारे साथ इंसाफ करें, इसके ऊपर लीगल एक्शन ले ताकि ना ये झगड़े खत्म हो, आपस में जो है ना अमन अमान में रहे। हम जो है अमान पसंद लोग हैं, हम लोग हम यही बता रहे हैं कि इतने दिन से इसको जो है ना सिविल डिस्प्यूट बोल के उड़ा दे, जबकि अटैक हो रहा है इसमें, गाली गलौज हो रहा, मस्जिद में बयानबाजी हो रही हमारे खिलाफ। हम जो है ना इसके ऊपर कई कंप्लेंस कर रहे हैं, इसको सिविल डिस्प्यूट बोल के जो है ना पीएस हिमायत नगर पीएस से जो है ना उड़ा दिया जा रहा। हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं बार बार, आप तहकीक करिए, अगर एक लड़के को मारे हैं तो ये क्रिमिनल एक्ट में आता, सिविल डिस्प्यूट में नहीं आता। आप उस सिविल डिस्प्यूट सिर्फ जमीन का झगड़ा हो सकता, कोर्ट में हो सकता, मगर उसके लिए जो है ना गुंडों को बुला के नहीं, जो है इससे पहले भी फर्स्ट टाइम जो है ना पूरा दीवार तोड़े बोल के वहाँ जो है ना अटैक करे हमारे ऊपर, बच्चों को जो है ना मार दिए, कान कट गया। इससे पहले भी हम जो है ना डेढ़ साल पहले मीडिया में आ चुका था, उसके उस वक्त भी अगर एक्शन लेते जो है ना अब तक जो है ना कई मसले जो है ना हल होते। आज भी जो है ना रॉड्स लेके आगे अटैक कर दिए पूरी दरगाह। सीसी कैमरे हैं, हाँ सीसी कैमरे हैं, पुलिस के कैमरे भी है। पुलिस जो है ना अपनी तरफ से उसी वक्त डेढ़ साल पहले कैमरे भी लगाई है। हाँ सीसी कैमरे में है, पुलिस के कैमरे में भी है, और जो है ना हमारे आज यहाँ पे खानखा की तरफ से जो है ना जो कैमरे लगे हुए हैं वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट के पास है। हम उसके भी दरख्वास्त दिए कि एक्सेस जो है ना उनके घर में है। हम श्रीनिवास साहब से रिक्वेस्ट करें, सर्कल साहब से रिक्वेस्ट करें कि ये कैमरे जो है ना उनके पास से भी निकाल के जो है ना एक्सेस जनरल रखे, पब्लिक को जो है ना दस्तियाब हो। वो अपने लिए जो है ना यूज कर रहे हैं उसको, रख के जो है ना हमारे पर गुंडागर्दी कर रहे हैं इसके ऊपर। लेडीज आते जाते हैं, लेडीज उसमें आते, पर्दा नशीन औरतें रहते, वो जो है ना कैमरे जो है ना एक्सेस जो है ना अपने पास रखे जो है ना उसका मिस यूज कर रहे हैं लोग। घर में रख लिए अपना, मस्जिद में रखने के बजाय जो है ना मस्जिद के ग्राउंड के एक्सेस दरगाह के जो है ना अपने घर में रख लिए। हम इसके ऊपर भी दरख्वास्त करते हैं कि कैमरों को जो है ना निकाल के एक्सेस जनरल पब्लिक को दस्तियाब हो, अगर ये लोग कैमरे रख के जो है ना लोगों के ऊपर गलत मिस यूज कर रहे हैं इसके ऊपर। बहरहाल हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, और ये जो अटैक हुआ और गिन के जाना हमारे घर में घुस के दरगाह के पास तो मारे हैं, घर में घुस के जो है ना रौनों से मारे हैं, उसके वीडियो वगैरह भी है, आपको पहुंचाएंगे कि जो है ना जो लीगल अथॉरिटीज सीनियर अथॉरिटीज के लोग हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं जो है ना इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो है ना अमन अमान रखे। हम अमन पसंद लोग हैं, हम जो कुछ भी जा रहे हैं कानून के तहत जा रहे हैं, कानून के खिलाफ नहीं कर रहे हैं आज तक। हम जो कुछ भी रिक्वेस्ट बार बार अगर जा रहे हैं पीएस को तो हम जो है ना कानून के तहत जा रहे हैं, प्रूफ के साथ जा रहे हैं। तो बहरहाल हम पुलिस से दरख्वास्त करते हैं सीनियर लोगों से जो है ना इसके ऊपर सख्त से सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन लें। थैंक यू। क्या कर रहा है तुम्हारे बाहर क्या कर रहे हैं।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।